एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक नौजवान रहता था। मोहन का शरीर गठीला और बहुत सुंदर था। मोहन रोज सुबह शहर में काम करने जाता और फिर शाम को अपने गांव लौट आता। गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो रोज मोहन को जंगल से आते जाते देखती थी। फिर कुछ समय बाद मोहन की शादी राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हो जाती है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी राधा से कहता है, राधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे लिए सुबह सुबह खाना बना दिया करो। मैं रोज काम पर देरी से पहुंचता हूँ। मैं क्या करूँ जी, सारा दिन घर के काम करके मैं तो थक जाती हूँ, इसलिए मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम अपने घर में एक नौकर रख लें। अरे भाग्यवान, अभी हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम कोई नौकर रख सके। कल से मैं सुबह खाना खुद बना लिया करूँगा, खुश? इतना कहकर मोहन घर से चला जाता है। फिर अगले दिन से मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। जब खाना बना ही रहा हूँ तो घर के सभी लोगों के लिए बना लेता हूँ। फिर मोहन रोज सुबह सबके लिए खाना बनाता और शहर में काम करने चला जाता। दूसरी तरफ राधा घर में सारा दिन आराम करती और घर के बाकी काम अपनी सास से करवाती। हे भगवान, ये बुढ़ापे में तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है, जो ऐसी बहू को मेरे पल्ले बांध दिया है। फिर कुछ दिनों बाद राधा मोहन से नई साड़ी और गहनों की जिद करती है। मोहन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी ये सब खरीदने में असमर्थ है, लेकिन राधा नहीं मानती। और राधा के रोज रोज के नखरों से तंग आकर मोहन गुस्से में घर से निकल जाता है। कब वो जंगल में पहुंच जाता है उसे भी पता नहीं चलता। तभी एक चुड़ैल की नजर मोहन पर पड़ती है। अरे, मैं तो घर से बहुत दूर आ गया हूँ। ओहो, रात भी बहुत हो गई, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। फिर मोहन वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। चुड़ैल भी मोहन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाती है। फिर मोहन अपने घर पहुँच कर दरवाजा खटखटाता है, तभी उसकी राधा दरवाजा खोलती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख मोहन को थोड़ी हैरानी होती है। फिर राधा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि औरत का असली गहना उसका पति होता है। आगे से मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये देखकर मोहन उसे माफ कर देता है। फिर अगले दिन से राधा रोज सवेरे उठकर मोहन के लिए खाना पकाती, घर के सारे काम करती, साथ ही साथ अपनी सास ससुर की खूब सेवा करती। अपनी पत्नी में आए इस परिवर्तन को देख मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन राधा की सास राधा से कहती है, बहू, आज मैंने घर में हवन रखा है, बाबा जी किसी भी वक्त आते होंगे तो सब तैयारी करके रख दे। जी माँ जी। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी अपने चेले के साथ उनके घर पर आते हैं। अलख निरंजन, आइए आइए बाबा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर बाबा जी हवन की तैयारी शुरू करते हैं और मोहन और राधा को हवन में बैठने के लिए कहते हैं। मोहन तो वहां आकर बैठ जाता है, लेकिन राधा वहां आने से मना कर देती है। तब मोहन राधा से कहता है, अरे भाग्यवान, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तभी बाबा जी को राधा पर कुछ संदेह होता है। अलख निरंजन, माँ जी, तुम्हारे बहू के हाव भाव देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि इसके अंदर किसी चुड़ैल का वास है। बाबा जी क्रोधित होकर कहते हैं, सच सच बता, कौन है तू, वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर बाबा जी जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम चामुंडाय विच्चाई नमः, ओम चामुंडाय विच्चाई नमः। तभी अचानक राधा की आवाज बदल जाती है और वो बाबा जी को हाथ जोड़कर कहती है,
नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं रोज मोहन को जंगल से गुजरते हुए देखती थी। मैं मोहन की सुंदरता पर मोहित हो गई थी। फिर मैंने देखा कि राधा मोहन और अपने सास ससुर को दिन रात परेशान करती है, और एक दिन मौका पाकर मैंने राधा के शरीर में प्रवेश कर लिया। मुझे कुछ मत करना, मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। फिर हवा का एक तेज झोंका उस घर से बाहर चला जाता है और राधा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद राधा को होश आता है। सारी असलियत जाने के बाद राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिक्षा, हमें हमेशा अपने परिवार वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और अपना हर फर्ज निभाना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।